असलम टुडे आवर टॉपिक इज मेटाबॉलिज्म सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मेटाबॉलिज्म होता क्या मेटाबॉलिज्म जो होता है वो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है बॉडी सेल्स के अंदर जो कि चेंज करता है फूड को अनर्जी में आवर बॉडी नीड दिस अनर्जी टू डू एवरी थिंग फॉर एग्जाम्पल मूविंग थिंकिंग ग्रोइंग ईटीसी इसमें जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं बॉडी uh, के अंदर वो कंट्रोल करती हैं इस केमिकल रिएक्शन को और थाउजेंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन एक ही टाइम के ऊपर uh, हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर उसके बाद है कि हाउ इट्स वर्क ये जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है ये वर्क कैसे करता है ये जो प्रोसेस है इसमें कॉम्प्लेक्स मोलिकूल्स कन्वर्ट होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स और वो ब्रेक करते हैं प्रोटीन को इंटू अमाइनो एसिड जैसे कि मतलब जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनको कन्वर्ट करता है सिंपल मॉलिक्यूल्स में जैसे कि प्रोटीन है प्रोटीन से अमाइनो एसिड बनते हैं फैट से फैटी एसिड और कार्बोहाइड्रेट से सिंपल शुगर या ग्लूकोज़ और ये जो सारी चीज़ें होती हैं और ये एनर्जी होती हैं जिनको जिनकी हमें ज़रूरत होती है इसके बाद मेटाबॉलिज्म uh, की दो टाइप्स हैं कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म को हम डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं इस प्रोसेस में जो लार्ज uh, मॉलिक्यूल्स होते हैं मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ये ब्रेक होते हैं इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स टू रिलीज एनर्जी मतलब जब ये मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं तो इनसे एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी ये लॉस प्रोसेस होता है इसमें जो ए है वो रिलीज हो जाती है और इस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेटिव प्रोसेस भी कहते हैं कैटबलिज़म को अब इस हम ग्राफ के जरिए देख लेते हैं कि फर्स्ट स्टेज में जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज होंगे जैसे कि पॉलीसक्राइड मोनोसक्राइड में लिपिड फैटी एसिड में प्रोटीन और अमाइनो एसिड में और ये सारे सिंपल कंपाउंड्स को स्टाइल को इन्जॉइ ए में आएंगे और इसके बाद नीचे क्रैप साइकिल स्टार्ट हो जाएगा उसके अंदर एक सिट्रिक एसिड साइकिल होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो रिलीज़ होती है एन बनता है एन भी रिलीज़ हो जाता है उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन उसके अंदर ए टी से ए से ए बनती है और वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज़ होता है इसके बाद है एनाबलिज्म को कौ, कंस्ट्रक्टिव मेटाबलिज़म भी कहते हैं क्योंकि इसमें इस, इस प्रोसेस में जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जॉइन होते हैं टुगेदर और बनाते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इसमें हम देख लेते हैं इट्स आल अबाउट बिल्डिंग एंड स्टोरिंग मतलब इसमें एनर्जी जो होती है वो स्टोर होती है और मतलब बिल्डिंग मतलब सिंपल मोलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं जैसे कि नीचे लिखा हुआ है स्मॉल मोलिक्यूल्स हैं जिन टू लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट और इसमें एनर्जी की नीड होती है हमें क्योंकि हमने सिंपल मालिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाने हैं और ये एनर्जी आती कहाँ से जो कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज़ हुई थी वही एनर्जी इसमें यूज़ होगी वो एनर्जी है एटीपी और एनएडीपीएच ये यूज़ होती है टू सिंथेसाइज़ कॉम्पलेक्स मॉलिक्यूल्स। इसके बाद हम इसका कंपेरिज़न देख लेते हैं सबसे पहले है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स ये जो होते हैं ये अनर्जी जील्डिंग न्यूट्रंट्स होते हैं इसके अंदर जब कैटबलिज्म का प्रोसेस होता है तो वो ऑक्सीडेटिव होता है और लॉस ऑफ एनर्जी होता है जिसको एक्जोजेजनिक भी कहते हैं इसके अंदर इस प्रोसेस के अंदर ए और एन जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं एज आ अनर्जी और एनर्जी पोअर एंड प्रोडक्ट भी इसमें मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मालिक्यूल और एन एच थ्री रिलीज होते हैं इसके बाद हम एनाबोलिज़म को देख लेते हैं इसमें सिंपल मालिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल्स बनते हैं जैसे कि अमाइनो एसिड शुगर फैट केसेज नाइट्रोजीनस बेसिस इससे कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल्स बनेंगे इसमें जब एनाबोलिज्म का प्रोसेस होगा तो इसमें रिडक्शन होगी और गेन ऑफ एनर्जी होगी एनर्जी कहाँ से आएगी जो कैटाबोलिज्म में एनर्जी रिलीज हुई थी वही एनर्जी एनाबोलिज्म के प्रोसेस में यूज़ होगी और वो बना आ, और वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बना देंगे प्रोटीन लिपिड एसिड और पोलिसक्राइड्स थैंक यू